वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए टॉप 3 स्ट्रेटेजीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से ऑप्शन में पैसा बना सकते हैं। पहला स्ट्रेटेजी है NSEIndia.com में आप जाते हैं, NSEIndia.com ओपन किया आपने और पहला नज़र हम लोग नॉर्मली सेक्टर पर डालते हैं। सेक्टर वाली बात दिमाग में रहे, एक आइडिया रहे बस कि कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर सबसे वीक है, यहाँ सेक्टरल इंडाइसेस में आपको नज़र आता है। जैसे अभी हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेटल सेक्टर, PSU बैंक सेक्टर सबसे ज़्यादा माइनस है, बाज़ार भी नीचे की तरफ जा रहा है तो पुट की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा हो सकता है। फिर हम लोग यहाँ लाइव मार्केट में जाके और इक्विटी डेरिवेटिव को क्लिक करते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव को क्लिक किया आपने और टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ क्लिक कर किया, स्टॉक ऑप्शन को क्लिक कर लिया। अब ये बहुत आसान सा तरीका है। स्टॉक ऑप्शन पे आप गए और आप सीधा क्या देख रहे हैं, ये लास्ट प्राइस और हाई प्राइस इसको टेली कर रहे हैं। एक्चुअली एक्सपायरी के बाद का दिन है इसलिए इसमें आपको इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो जब नॉर्मल डे में आप देखेंगे तो आपको लास्ट प्राइस और हाई प्राइस में लगातार देखते चले जाना है। कोई भी चीज़ अगर हमको ऐसी दिखती है कि लास्ट प्राइस उसके हाई प्राइस के बिल्कुल करीब है, हमने चेक किया स्टॉक का नाम क्या है, सेक्टर हमारे दिमाग में है। सपोज़ ऑटो सेक्टर चल रहा है और यहाँ पे मारुति में बहुत अच्छा OI और वॉल्यूम दिख रहा है और इसका लास्ट प्राइस इसके हाई प्राइस के करीब है, अगर ऐसा दिखता है तो हम मारुति को चुन लेंगे। साथ में आगे और जाके चीज़ें देखी हमने, हमको मालूम पड़ता है टाटा स्टील का कॉल भी उसके हाई के करीब है, तो इन दोनों स्टॉक को चुन के इनके हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा देंगे। दोनों का ट्रेड एक साथ एक्टिवेट नहीं होगा, ट्रेड एक्टिवेट होगा किसी एक ऑप्शन का, किसी एक कॉल का। इसके साथ ही हम जो नेगेटिव सेक्टर हैं उनके पुट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिख सकती है कि ये पुट अपने हाई के करीब है, तो ऐसे दो पुट में हाई पे बाइंग लगा देंगे और जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होगा आपको तत्काल अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्योंकि इस मेथड में हम लोग जो हाई तोड़ के नया हाई बनाता है और 1,000-1,200 रुपये तक का प्रॉफिट देता है, उसमें से 700-800 रुपये भी आपने ले लिया तो बहुत है। क्योंकि दिन में दो बार रिपीट करेंगे हम इसको, फ्रॉम 9:30 टू 11:30 सुबह के वक्त, आफ्टरनून सेशन में 1:30 टू 3, दो बार अगर आप पूरी तरह सेफ रह के ये आपकी कैपिटल पे 3-4% का प्रॉफिट बनाते हैं। मतलब आप एक ऑप्शन की प्रीमियम 30,000 होती है और अगर वहाँ पे आपको 800 रुपये मिल जाता है, इट इज़ 2.5%, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। और आफ्टरनून सेशन तो अभी फिर भी बाकी है, तो ऐसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये पहली टेक्निक हो गई। दूसरा टेक्निक ये है कि हम NSEIndia.com में ही गए, सेक्टर को देखा हमने, सेक्टर को देख के और वहीं इंडेक्स में सेक्टर को देखा। सेक्टर को देख के हमको जैसे ये पता लगता है कि ये PSU बैंक सबसे कमज़ोर है या मेटल सबसे कमज़ोर है, मेटल को क्लिक किया हमने और मेटल में हम देखना चाहेंगे कि कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा सुबह से। तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर देखने के लिए एक चीज़ देखी जाती है, क्या किसी का ओपन और हाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्या। आपको अगर ऐसा कोई स्टॉक दिखता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा रोज़ दिखे, लेकिन हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुबह कभी ऐसा दिखता हमको कि जिंदल स्टील का ओपन 226.65 है और हाई भी 226.65 है, तो उसके पुट को हम प्रेफर करते हैं। साथ में एक और कंडीशन क्या देख लेते हैं कि क्या इसका LTP लो के करीब है। देखिए, हाई को नहीं तोड़ा, हाई वही है जो ओपन है, इसका मतलब यहाँ से ज़रा सा भी ऊपर नहीं गया, ये चीज़ बहुत बड़ी कमज़ोरी को दिखाती है। और ऐसे में LTP लो के करीब हो तो उसका ऑप्शन चुन लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इंट्राडे में भी ये चीज़ काम की है, लेकिन अभी हम यहाँ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हमको ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, इसमें थोड़ा सा आपकी आँखों को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, जो हम कहते हैं आपको कि साइट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है इसमें। फिर मेटल के बाद PSU बैंक बताया था हमने आपको, यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या किसी का ओपन और हाई बिल्कुल सेम है क्या। यहाँ पे भी फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं है।
कई दिन कई बार ऐसा होता है आपको क्लियर दिखता है कि इसका ओपन और हाई सेम हो। ये पुट के लिए बात हो रही थी, अभी कॉल के लिए बात करेंगे। तो जिनका ओपन और लो सेम होगा उसको देखने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स में हमको देखना पड़ेगा कि सबसे मजबूत कौन सा सेक्टर था। अब यहाँ सारे ही रेड हो रहे हैं तो कंपेरेटिवली जो कम रेड है वो सबसे मजबूत माना जाएगा। आईटी देखिए 0.05 है, ये बहुत कम गिरा हुआ है, तो यही सबसे मजबूत है। और यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या किसी का ओपन और लो एग्जैक्टली सेम है क्या। अगर ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है हमको तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी, क्योंकि ओपन और लो सेम होना ये बहुत बड़ी मजबूती को दिखाते हैं कि जहाँ खुला वहीं से ऊपर गया, नीचे गया ही नहीं, ये बड़ी बात होती है। तो इस स्ट्रेटेजी को भी फिर मैं समराइज कर देता हूँ। सेक्टर में गए, पुट के लिए आपने ओपन और हाई को टेली किया, अगर एग्जैक्टली सेम मिल गया तो उस पुट पे ध्यान देंगे। और कॉल के लिए आपने ओपन और लो को टेली किया, अगर वो एग्जैक्टली सेम है तो उसकी कॉल पे ध्यान देंगे। आगे चलते हैं हम, तीसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रेटेजी हो जाता है वो है ओ आई इनक्रीज प्राइज राइज। आप लिखेंगे ओ आई इनक्रीज प्राइज राइज ऑप्शन। तो ऐसी कोई भी चीज़ दिख रही है जिसमें एकदम से ओ आई इनक्रीज हो रहा है और प्राइस भी बढ़ के ऊपर जा रहा है, उसको आपको देखना है। मनी कंट्रोल में भी देख सकते हैं, प्रॉफिट डॉट NDTV में भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट डॉट NDTV पे हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये ऑल फ्यूचर्स के बारे में बता रहा है, हाई ओपन इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस किया, और साथ में फ्यूचर के बजाय हम यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन चुन लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। तो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जो स्टॉक ऐसे नज़र आ जो ऑप्शन ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनका ऑप्शन अभी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमको ये नज़र आ सकता है, इसको चेक करेंगे। कई बार ये स्टॉक ऑप्शन की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है, वो आसानी से आपको मिल जाए। अगर इस साइड पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें NDTV प्रॉफिट में जा सकते हैं, प्रॉफिट डॉट NDTV की साइट, या फिर एक और साइट है मोतीलाल ओसवाल, वहाँ पे मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑप्शन करके जब आप लिखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल की साइट भी आपके सामने आ जाएगी। वहाँ से देखने वाले हैं, क्या देख रहे हैं, किसमें सबसे ज़्यादा ओआई हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अगर वो एक्टिव होता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, और वो कारण यहाँ से पकड़ में आ जाता है। देखिए मनी कंट्रोल देखा, फिर आप यहाँ मोतीलाल ओसवाल पे आ गए। ये जिस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं वही तरीका हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इससे आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है फेमिलियर नहीं होने की वजह से लोग किसी सही जगह पे पहुँचते नहीं हैं। अभी यहाँ पे नो डाटा फाउंड बता रहा है, बाज़ार अगर बंद है इसलिए इस वजह से ये चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे सेक्टर की बात आपके दिमाग में रहेगी हमेशा से। ये देखिए स्टॉक ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट हैं, उनका प्राइस क्या है, उनका ओआई क्या है, नज़र आ रहा है। अब सेक्टर की बात दिमाग में होने के बाद में यहाँ अगर कोई चीज़ आपको ऐसी दिखती है जो सेक्टर को सपोर्ट भी कर रही है और उसके कॉल में बहुत बड़ा ओआई भी आया है, ओआई इंक्रीज प्राइस राइज, तो उसमें हम हाई के ऊपर बाइंग लगाएंगे कॉल में। और सेम केस में अगर कोई सेक्टर बहुत कमज़ोर है और उसके किसी पुट में यहाँ पे बहुत तेज़ी से ओआई इंक्रीज प्राइस राइज हुआ है तो उस पुट में भी हाई पे बाइंग लगा देंगे। आप अपनी तरफ से अंदाज़ा मत लगाइएगा कि कॉल खरीद लूँ या पुट खरीद लूँ, क्योंकि निफ्टी कभी भी रिवर्स कर सकती है। तो अगर गिरावट के दिन कॉल हाथ में आ गया तो बर्बादी है, और तेज़ी के दिन पुट हाथ में आके रह गया तो बर्बादी है। कॉल पुट दोनों अगर आपके पास हो और एक चीज़ में नुकसान हो रहा है और दूसरी चीज़ में थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो भी चल जाएगा, क्योंकि जितना नुकसान है उतनी रिकवरी किसी और चीज़ से हो जाए और हम बराबरी पे बाहर निकल आएँ,
वो कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, वो तो अनुभव कमाने की बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अकेली पोजीशन बना के बैठ गए तो वो डरने की बात हो जाती है, ये शौक आपसे फिर आगे गलतियां करवाता है। तो ये टॉप थ्री स्ट्रेटेजीज हम फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। पहली चीज़ हमने आपसे कही वो है NSEIndia.com में जाके टॉप 20 स्टॉक ऑप्शन में जो भी कॉल या पुट अपने हाई के करीब हैं उनमें हाई पे बाइंग लगाना। दूसरा, सेक्टर देख के ओपन हाई और ओपन लो देख के कॉल और पुट का पोजीशन बनाना। तीसरा, वाई इंक्रीज प्राइस राइज में मनी कंट्रोल या मोतीलाल ओसवाल पे आके प्रॉफिट आइडेंटिटी भी टाइम पे अपडेट हो रहा है तो उसमें जाके और करना। ये टॉप 3 स्ट्रेटेजीज आपको करनी है। हम यहाँ सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आप ट्रेनिंग के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं। ये जो ऑप्शन कोर्सेज हैं, फ्यूचर कोर्सेज है, कमोडिटी है, इंट्राडे, ये सब अलग अलग हैं। अगर सारे वीडियो कोर्सेज एक साथ लेना है तो अभी 15,000 का ऑफर है। और डिटेल ट्रेनिंग अगर आप ले रहे हैं स्टॉक मार्केट की, जिसमें फ्यूचर ऑप्शन, इक्विटी, कैश, फंडामेंटल, टेक्निकल और सारे तरीके, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, IPO, F&O, वो ट्रेनिंग होती है 51,000 6 month की। और ये इंडिविजुअल वीडियो कोर्सेज हैं, ये सेल्फ लर्निंग है, 3,000 या 4,000 इनकी फ़ी है। पे करके आप अपना डिटेल हमको मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं मेल आईडी, तो विद इन 2-3 आवर्स आपके मेल आईडी में कोर्स पहुंच जाता है। तो सीखते रहिए हमारे साथ, जितना नॉलेज में पैसा डाल सकते हैं डालिए, जितना समय आप दे सकते हैं प्रैक्टिस को उतना पैसा आप यहाँ बना सकते हैं। यकीन मानिए देयर इज़ नो शॉर्टकट, इसको इजी मनी मानने के बजाय स्मार्ट मनी मानिए तो आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। नॉलेज इज़ द ओनली थिंग जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए। तो इस बिज़नेस में ये नॉलेज बेस्ड बिज़नेस है, जितना नॉलेज उतना पैसा। और उसके लिए हम आपके साथ हैं हमेशा हमेशा। www.speedearning.com 8381021346 व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।